वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग एक थीम को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे, जो कि है अगर आप साउंड डेब स्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं साउंड डेब स्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इस स्क्रिप्ट का यूज़ करते हो तो आप लोग को पता होगा इसका एक थीम भी है। वो थीम किस तरह से आप लोग इंस्टॉल करते हो वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कैटकॉम में अगर आप आते हो, ये जो थीम है ये आपका साउंड डिप का थीम है। तो इसका जो सेल है वो आप लोग देख सकते हो, 200 सेल हो चुका है, और इसका जो रेगुलर प्राइस है वो आप लोग यहाँ पर $25 देख सकते हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं, वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इसका लाइव प्रीव्यू आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक करके इसका लाइव प्रीव्यू आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी है, अगर स्क्रीनशॉट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका होम पेज होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर आपका डाटा होगा, और यहाँ पर इस तरह से आपका वेबसाइट बेसिकली दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग चलिए देखते हैं। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये जो थीम है इसको डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले परचेस करना होगा, परचेस करने के बाद इसको डाउनलोड करना होगा। तो मैं इस थीम को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह जो थीम है मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, ये यहाँ पर है। तो इसको जिप फाइल में है, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ओके में क्लिक करके ये जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये जो फोल्डर ओपन हुआ है इसके अंदर जाना है, यहाँ पर इसका अंदर जाना है। ओके, अंदर आने के बाद यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर, स्क्रीन फोल्डर, और यहाँ पर चेंज लॉक, हाउ टू अपडेट, रीड मोर टेक्स्ट, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हो। लेकिन हमारा जो थीम है वो इस फोल्डर में है, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर थीम सेक्शन, और ये जो सारा फाइल है ये हमारा थीम का फाइल है। तो ये इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस फाइल को हम लोग अपलोड कर देंगे हमारे सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर इस फाइल को राइट बटन क्लिक करके एड आर्काइव में जाते हैं, और यहाँ पर जिप फाइल में ओके में क्लिक करके ये जो फाइल है इसको हम लोग जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस फाइल को हम लोग हमारा जो सर्वर है उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा साइड में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा सीपीएनएल में, तो हम लोग हमारा सीपीएनएल में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद अगर आप लोग पब्लिक एचटीएमएल में आपका वेबसाइट होस्ट करते हो तो आप लोग पब्लिक एचटीएमएल में आ जाइएगा। तो मेरा डोमेन दूसरा में होस्ट किया है, तो मेरा डोमेन को मैं ओपन किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर थीम नाम का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है। उसके बाद आप जो जिप फाइल में कन्वर्ट किया है वो थीम को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा फाइल को सिलेक्ट कर दूँगा यहाँ से, और यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो आ चुका है। यहाँ पर आप ओपन में क्लिक करके ये जो फाइल है ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और अपलोड भी कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको गो बैक में जाना है। उसके बाद ये जो फाइल है ये जिप फॉर्मेट में है, इसको हम लोग फोल्डर फॉर्मेट में करेंगे, इसलिए इसको अनजिप कर देना है। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करते हैं, और एक्सट्रैक्ट फाइल, यहाँ पर आपका जो फाइल है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद क्लोज, और यहाँ पर ये जो फाइल फोल्डर है वो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका वेबसाइट को अगर रीलोड करते हो तो आपका कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ये जो थीम है इसको एक्टिव करना है इसके डैशबोर्ड से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एडमिन एरिया में जाएंगे, यहाँ पर एडमिन पैनल में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन सेक्शन में, यहाँ पर थीम में जाते हैं, और यहाँ पर जो थीम है वो हम लोग एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर एक्टिव में क्लिक कर देते हैं, और हमारा जो थीम है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम लोग अगर हमारे वेबसाइट में जाते हैं
तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली हमारा जो वेबसाइट है वो चेंजेस हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग जो थीम यूज़ करते हैं उसका लोगो भी आ चुका है। ये लोगो हम लोग चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर न्यू म्यूज़िक है, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड, हमारा प्रोफाइल इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वाइब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।